आज हम आपको दिखा रहे हैं, मैं मेरे साथ में मनोज तिवारी जी, सिरसा जी, नीलकांत जी, हम आपको दिखा रहे हैं, ये है यमुना। तो आप देखेंगे पीछे पूरा कैसे झाग का लाखों लीटर पानी आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया का। ये 8 साल की अरविंद केजरीवाल की हकीकत है। 2 करोड़ दिल्ली वासियों के विश्वास को इस तरह तार तार करना, इसका जवाब दिल्ली की जनता भी देगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल आजकल दिल्ली छोड़ के हर जगह जाते हैं। पहचान है वो झूठ और लूट पे आधारित है। अरविंद केजरीवाल, ये आपकी बहुत ही घिसी पिटी स्क्रिप्ट है, टोटल फ्लॉप शो है ये आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल जी, आपको शराब नीति पे बोलना है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 15 सालों से एमसीडी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। अब एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की ये दूसरी बड़ी जीत है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने सियासी हलचल तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि जहां पर भी अरविंद केजरीवाल पैर जमा लेते हैं, वहां वो भाजपा कांग्रेस को आसानी से मात दे देते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा का जादू नहीं चल पाता है। इस एमसीडी चुनाव ने राजनीतिक दलों को क्या संदेश दिया, इसके क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। हाय, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहले जानिए कि चुनाव नतीजे क्या निकले। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं। इन पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। इस बार कुल 50.47% लोगों ने ही वोट डाला था। चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 250 में से 134 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के खातों में 9 सीटें आई हैं और 3 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 42.20% वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 39.02% वोट गए हैं। कांग्रेस को 11.68% वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को 3.42% वोट मिले हैं। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर गई तो पता चला कि कई जगहों पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। 15 सालों से दिल्ली में एमसीडी पर बीजेपी का राज है। भ्रष्टाचार की लगातार शिकायत और काम न होने की वजह से लगभग हर तबके में एमसीडी के कामकाज को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी। चुनावी भाषा में इसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगर इस लिहाज से देखें तो दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ एमसीडी में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और रिजल्ट एकदम वैसे ही आए। सत्ता के खिलाफ माहौल का सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। बीजेपी का वोटर कई जगहों पर इतना निराश था कि उसने अपनी फेवरेट पार्टी को वोट देने की बजाय घर में बैठना ठीक समझा। बीजेपी के खिलाफ जो सबसे बड़े मुद्दे फैक्टर बनकर सामने आए वो थे दिल्ली में साफ सफाई की कमी और पार्षदों का भ्रष्टाचार, खासतौर पर बिल्डिंग बनाने को लेकर साफ सफाई का अभाव और पार्षदों का भ्रष्टाचार। बीजेपी ने पूरे एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देने के बजाय उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट किया। बीजेपी ने कोशिश की थी कि एमसीडी पर बात कम हो और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, मसलन सत्येंद्र जैन की वीडियो और आबकारी नीति में घोटालों पर ज्यादा से ज्यादा बात हो। कई बार बीजेपी इस नैरेटिव को लोगों के बीच लाने में कामयाब भी हुई, लेकिन एमसीडी के मुद्दों पर बात न करना उसके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ा और परेशान लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट कर दिया ताकि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन सके। दूसरी वजह बीजेपी की हार की रही ब्रांड केजरीवाल। दिल्ली में ब्रांड केजरीवाल का मतलब लोगों को सुविधाएं देना और कई तरीके की मुफ्त स्कीम का फायदा लोगों तक पहुंचाना। ये ग्राउंड जीरो पर जब हम पहुंचे तो वहां के लोगों का फीडबैक रहा। केजरीवाल के कामकाज और तौर तरीकों पर बीजेपी सवाल तो उठाती है, लेकिन पब्लिक में अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी काफी सहानुभूति है। मुफ्त बिजली से लेकर सुधरती शिक्षा व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ करवाने की वजह से केजरीवाल एक ब्रांड बनते जा रहे हैं। केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड भी उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहा। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल तो किया, लेकिन सरकारी फायदे के सामने पीएम के ऊपर खेला गया ये दांव भी नाकाफी साबित हुआ। दिल्ली में आमतौर पर जहां धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा वोटरों को प्रभावित नहीं करता है, वहां हिंदुत्व का दांव भी केजरीवाल के लिए फायदेमंद साबित हुआ, खासतौर पर तब जब मुस्लिम वोटरों के सामने कांग्रेस का मजबूत विकल्प उपलब्ध नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपने
पोस्टरों और कैंपेन में भी अरविंद केजरीवाल के नाम और उनके फोटोग्राफ का इस्तेमाल बखूबी किया ताकि इस ब्रांड को और ज्यादा बड़ा करने और मुद्दों को बनाने में मदद मिल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।